हेलो पीपल, दिस इज़ वुल्फियन। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बेस्ट मोबाइल गेमिंग ओएस कौन सा है। इज़ इट एंड्रॉयड और इज़ इट आईओएस? आप सभी ने देखा होगा कि आईओएस पे थोड़े से गेम स्मूथ चलते हैं इंस्टेड ऑफ एंड्रॉयड। तो ऐसा क्यों है और आपको गेमिंग के लिए आईओएस चूज़ करना चाहिए, एंड्रॉयड चूज़ करना चाहिए? इन सभी सवालों के हम इस वीडियो में आंसर देंगे। और पहले हम शुरू करेंगे आईओएस से, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन यही है और ऐसा है भी कि गेम स्मूथ आईओएस में ज़्यादा चलते हैं। और ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह है आपका बेटर ऑप्टिमाइजेशन। और बेटर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब डेवलपर्स गेम बना रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस डिवाइस का स्क्रीन साइज़ कितना है और इस डिवाइस में हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है। तो फिर वो उसी चीज़ को अपने स्टैंडर्ड में रखकर उस गेम्स को डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। क्योंकि एप्पल एक ही डिवाइस लॉन्च करता है आपके अपने आईओएस पर पूरे साल में, तो गेम डेवलपर्स को पता होता है कि हाँ, इस डिवाइस में इतनी रैम है, ये प्रोसेसर की ताकत है और इतनी इंच की इसकी स्क्रीन है। तो फिर वो उसी के हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड कर पाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, वन डिवाइस, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि वो साल में एक ही डिवाइस यूज़ करते लॉन्च करते हैं, और जो गेम डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है कि पिछले साल भी जो डिवाइस आई थी उसकी पावर क्या है और हमें इस गेम का सपोर्ट कितनी प्रीवियस डिवाइस तक देना है, कितनी प्रीवियस डिवाइस तक ये गेम सपोर्ट कर पाएगा। तो इसलिए बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है आईओएस के लिए, और क्योंकि डेवलपर्स को क्लियरली पता होता है कि हाँ, हमारे पास ये हार्डवेयर है और हमें इसके लिए बनाना है, तो अच्छी तरीके से उसको लैग फ्री ऑप्टिमाइज्ड कर पाते हैं। और इसी वजह से आईओएस को बेटर डेवलपर सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि डेवलपर्स को पता होता है कि हाँ, वो किस चीज़ के लिए डेवलप करने वाले हैं चीज़। तो ज़्यादा डेवलपर आईओएस के लिए अच्छी तरीके से डेवलप कर पाते हैं और एंड्रॉयड के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में आप देखो कितनी सारी डिवाइसेस आती हैं। अगर आप वन डिवाइस वाले पॉइंट की भी बात करो तो एंड्रॉयड की एक साल में लगभग मेरे हिसाब से 50 से भी ज़्यादा फ़ोन रिलीज़ हो जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, और वो भी अलग अलग डिफरेंट साइज़ के, अलग अलग चिपसेट्स के, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, और अलग अलग उनकी स्पेक्स होती है। तो आप इतने सारे फ़ोनों के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे किसी सॉफ्टवेयर को? इसलिए आईओएस को बेटर डेवलपर सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड मान के लेके चलते हैं कि हाँ, ये डिवाइस है, ये स्टैंडर्ड है और हम इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। पर ये चीज़ एंड्रॉयड के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एंड्रॉयड में इतने सारे आपके स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन लॉन्च होते हैं कि आप किस स्पेसिफिकेशन के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डिवाइस ख़रीदो, क्योंकि अब तक हम समझ चुके हैं कि आईओएस पे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं चीज़ें, इसलिए उन पर गेमिंग परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस ज़्यादा होती है, तो आपके लिए सबसे अच्छी डिवाइस क्या रहेगी? मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग करनी है और आपको स्मूथ गेमिंग करनी है और आपको सिर्फ गेमिंग के लिए ही डिवाइस चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको जाना चाहिए आईपैड की तरफ। क्योंकि आईपैड एक ऐसी डिवाइस है जो कि 26 अराउंड 1000 में आ जाती है, और आईपैड भी मैं तभी आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका बजट अराउंड 50 to 55,000 है। क्योंकि अगर आप 50 to 55,000 आपका बजट है, तो आप सोचोगे कि हाँ, मैं 7 प्रो ले लूँ, क्योंकि उसमें 855 चिपसेट है, तो उसमें ज़्यादा स्मूथ चलेगा, 90 हर्ट्स का डिस्प्ले है। बट उससे बढ़िया है, क्योंकि एंड्रॉयड अभी अभी हमने ये कहा है, क्योंकि एंड्रॉयड इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, हो सकता है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा उस पे OnePlus 7 Pro पे ना हो जितना अच्छा आपका आईपैड पे हो सकता है। देखो, आपको एक तो बड़ी स्क्रीन मिल रही है और इसमें A12 चिपसेट लगा हुआ है, जो कि और ये क्योंकि डेवलपर्स को पता है कि आईपैड है और वो एक ही तरीके का आईपैड है और उस पर आईओएस चलता है, इतनी स्क्रीन है और इतना हार्डवेयर है, तो उन्होंने इसके लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर रखा है रादर देन OnePlus 7 Pro के साथ लिए। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको आईपैड लेना चाहिए, और आपको
अगर फोन ही लेना है तो मैं कहूँगा कि आप फोन देखो 30,000 से नीचे तक का, क्योंकि आई डोंट थिंक इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 30,000 इट्स वर्थ इट ऑन अ फोन, बिकॉज आपका गेमिंग का काम तो इससे हो जाएगा आईपैड से, और आपका जो फोन है उससे भी आप मतलब जो अच्छा प्रोसेसर का फोन ले सकते हो बिलो 30,000, बिकॉज आपकी चॉइसेस देखते हैं बिलो 30,000 क्या है एंड्रॉयड में, अगर आपको गेमिंग नहीं करनी पर फिर भी एक सुपर फास्ट अच्छा रिलायबल फ़ोन चाहिए, फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी मेरे हिसाब से OnePlus 6T, बिकॉज ये एक लगभग इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टॉक पे ही चलता है और एंड्रॉयड के स्टॉक पर, और ये देखिए आपकी प्राइस देखिए इसकी कितनी कम हो गई है, 6 GB वेरियंट 128 GB का ये आपको सिर्फ 27,000 में मिल रहा है, और अगर आप इतना भी नहीं चाह अगर आप OnePlus 6T आपको लगता है कि थोड़ा पुराना हो गया आप नए के लिए जाना चाहते हो तो आप K20 Pro ले सकते हो, ये अल्फा सेल अभी इसकी आज स्टार्ट होने वाली 12 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें आप प्री रजिस्टर करके इसके लिए आप जा सकते हो, और आपका बजट थोड़ा और कम है, आपका बजट अराउंड है 40,000 या 45,000 तो आप चूज़ कर सकते हो पोको फ़ोन F1 और ले सकते हो। अब मैं इसके साथ ये क्यों आपको कह रहा हूँ कि आपको 40,000 या 50,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 27,000 का 6T लोगे या फिर ये 25 या 26 का K20 Pro है और ये पोको F1 18 तक का है तो आप 26,000 का फिर आईपैड खरीद सकते हो, और आपका गेमिंग का भी सोल्यूशन हो जाएगा प्लस आपके पास एक अच्छा फ़ोन भी रहेगा, और आप और भी टाइट बजट में हो तो आप Realme 3 Pro ले सकते हो, ये भी एक अच्छा फ़ोन है आपका, इसमें प्रोसेसर आपको मिल रहा है 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और थोड़ा सा और अगर आप फ़ोन में नीचे जाना चाहते हो पर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो एट लास्ट आई वुड टेल यू टू गो फॉर Note 7 Pro, बिकॉज इट हैज़ 675 प्रोसेसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 675 प्रोसेसर, और देन यू कैन बाय योर एप्पल आईपैड प्रो, लाइक 27,000 फ्रॉम एप्पल आईपैड प्रो एंड Note 7 Pro आपका 14 का है तो यानी आपका 32-33,000 में पूरा आपके पास एक अच्छी बेहतरीन गेमिंग डिवाइस भी आ जाएगी, प्लस आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास एक अच्छा फ़ोन भी आ जाएगा, तो दिस इज़ माई टेक ऑन यू नो दीज, अगर आपको अच्छा गेमिंग डिवाइस चूज़ करना है तो गेमिंग तो आपकी iOS में ही स्मूथ बटरी स्मूथ होगी, एंड्रॉयड आपको उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, और आईपैड का अगर आप देखो तो कॉम्पिटिटर है भी नहीं कोई, देर इज़ नो रियल आईपैड कॉम्पिटिटर, क्योंकि उसके अलावा आप जो A10 चिप है वो अच्छा आपको एक्सपीरियंस देती है गेमिंग में, और आप देखो तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर वो आईपैड में खेलना पसंद करते हैं, बहुत कम लोग फ़ोन पे खेलते हैं, बट मान लीजिए कि आप 30,000 स्पेंड नहीं कर सकते ठीक है फिर क्या होगा, फिर आई थिंक मैं बताऊंगा आपके, मैं कहूंगा आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस है, आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस है एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड लेट यू गेम चीपली, आप सस्ते में एंड्रॉयड पे गेम खेल सकते हो, तो एंड जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ आएगी वो आएगी कि विच वन शुड आई बाय, तो फिर मुझे कौन सा, तो मेरा कहना है कि आप कर सकते हो, आप ले सकते हो ये अपना, आप शुरू करो Redmi Note 7 Pro से, अगर आपका 15,000 तक का बजट है उससे ऊपर है तो Realme 3 Pro लो, क्योंकि तो आपको 710 प्रोसेसर मिल जाएगा इसमें जो कि अच्छा चलता है गेमिंग में, उससे ऊपर है तो आप Poco F1 लो अगर आपका 18,000 तक का बजट है, एंड देन अगर उससे ऊपर जाना चाहते हो तो देन आपका K20 Pro विच इज़ विद 855, तो मुझे लगता है कि अगर आपका बजट अकॉर्डिंग टू बजट आप देख सकते हो कि आप कौन सा फ़ोन ले सकते हो, अगर आपका 30,000 बजट नहीं है क्योंकि 33-34,000 के बजट में देन यू कैन बाय बोथ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, आईपैड भी और ये आपका एक अच्छा Note 7 Pro या फिर Realme 3 Pro आप फ़ोन ले सकते हो,
उससे ऊपर है तो आप पोको एफ वन भी देख सकते हो विद आईपैड, तो विच वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, बिकॉज आप गेम भी अच्छा खेल पाओगे, देन यू विल ऑल्सो हैव अ गुड फोन। तो थैंक यू गाइस, ये आज का यही था, फिर एक बार फिर दूसरी वीडियो में आएंगे, देखेंगे हम आपके लिए क्या ला सकते हैं। थैंक यू, बाय।